नमस्कार, मैं हूं केसरी पांडे और एक बार फिर से हमेशा की तरह धीए टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपका आभार है कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू और लेते हैं पहला प्रश्न। मिशन अमानत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? नीचे दो कथन दिए गए हैं, आपको उसमें से सही कथन खोजना है, बताना है। पहला, ये संस्कृत मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक पहल है। दूसरा, इसके तहत लोगों को प्राचीन भारतीय मूल्यों एवं धरोहरों के बारे में जागरूक किया जाएगा। विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, यानी दोनों कथन गलत हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में पश्चिम रेलवे क्षेत्र के तहत रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ द्वारा एक मिशन अमानत पहल की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य रेल यात्रियों के लिए अपना खोया हुआ सामान वापस पाने की प्रक्रिया को आसान बनाना है, सुविधाजनक बनाना है। इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल रेल यात्रियों के खोए हुए सामान का पता लगाकर उसका फोटो खींचकर और उसका विवरण एक वेबसाइट पर अपलोड कर देगा ताकि यात्री आसानी से अपना सामान पहचान पाएं और इसे फिर से प्राप्त कर पाएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए 15 जनवरी, बी 3 फरवरी, सी 2 जनवरी अथवा डी 17 जनवरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी 15 जनवरी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते 15 जनवरी को देशभर में 74वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया। दरअसल आज़ाद भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख के तौर पर फील्ड मार्शल के एम करियप्पा ने 15 जनवरी 1949 को अपना कार्यभार संभाला था। उन्होंने ब्रिटिश राज के समय से भारतीय सेना के अंतिम अंग्रेज शीर्ष कमांडर जनरल रॉय फ्रांसिस बुचर से ये पदभार ग्रहण किया था। इसलिए के एम करियप्पा के सम्मान एवं याद में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन सैन्य परेडों, सैन्य प्रदर्शनियों और अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों के साथ नई दिल्ली और सभी सेना मुख्यालयों में मनाया जाता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हेनले पासपोर्ट सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत को 90वां स्थान हासिल हुआ है। दूसरा, साल 2022 के सूचकांक में अमेरिका को पहला स्थान मिला है। और तीसरा, ये रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेष आंकड़ों के आधार पर तैयार की जाती है। विकल्प हैं ए केवल एक और दो, बी केवल एक, सी केवल तीन अथवा डी एक दो और तीन, यानी तीनों कथन जो दिए गए हैं वो सत्य हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी यानी केवल कथन तीन सत्य है, बाकी दो कथन गलत हैं। क्यों गलत है इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। हाल ही में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रिपोर्ट हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 जारी किया गया। इसमें भारत को 83वां स्थान हासिल हुआ है, जो कि पिछले साल के 90वें स्थान के मुकाबले 7 पायदान ऊपर है। इस सूचकांक में जापान और सिंगापुर को पहला स्थान मिला है। बता दें कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स गंतव्यों की संख्या के मुताबिक दुनिया के सभी पासपोर्टों की एक रैंकिंग है। इसमें यह बताया जाता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकता है। इसे साल 2005 में शुरू किया गया था। ये रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेष आंकड़ों के आधार पर तैयार की जाती है। इस सूचकांक में 199 देशों के पासपोर्ट और 227 विभिन्न यात्रा गंतव्यों को शामिल किया गया है। चौथा प्रश्न, हाल ही में इंदु मल्होत्रा समिति चर्चा में थी, ये किससे संबंधित है? विकल्प हैं ए राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की समीक्षा से, बी उच्च न्यायपालिका में इस्तेमाल होने वाली भाषा की समीक्षा से, सी कोविड-19 के दौरान चुनाव में आने वाली दिक्कतों की समीक्षा से अथवा डी
भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक मामले की जांच से। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, यानी भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक मामले की जांच से जुड़ी ये समिति है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का एक मामला प्रकाश में आया। इसके जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा के तहत एक जांच समिति नियुक्त की है। यह समिति इस बात की जांच करेगी कि सुरक्षा उल्लंघन के लिए कौन जिम्मेदार है। साथ ही ये समिति प्रधानमंत्री एवं अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों पर भी सुझाव देगी। बता दें कि एसपीजी एक्ट की धारा 14 के तहत पीएम के कार्यक्रम के दौरान एसपीजी के द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए राज्य सरकार बाध्य है। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। लाल बहादुर शास्त्री के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य है? पहला, इन्होंने देश के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। दूसरा, इन्होंने असहयोग आंदोलन एवं नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया था। विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, यानी दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते 11 जनवरी को पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि थी। इस मौके पर देशभर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उन्हें याद किया गया। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। वे एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने देश के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। इन्होंने असहयोग आंदोलन एवं नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया। हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने में शास्त्री जी की काफ़ी अहम भूमिका थी। इनके द्वारा दिए गए जय जवान जय किसान के नारे ने देश को काफ़ी ऊर्जीकृत किया था। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में संदिग्ध परिस्थितियों में इनका निधन हो गया था। मरणोपरांत साल 1966 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा तो धेआईएस के इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।